तलाक तलाक बोल के चले गए लड़के गालियाँ वाली देने के। फिर उसके बाद मैं फोन पे फोन करी तो 12 तारीख को फोन उठा के भी वैसे ही बोल के स्विच ऑफ करके फेंक दिए। अभी भी फोन बंदी छे उनका, तो मैं पीएस में जाके कंप्लेंट करी तो पुलिस वाले सपोर्ट करें, खरीद भी आए फिर सपोर्ट करें अच्छे से, उनके नाम पर केस करें। अपने को क्या बोल के कंप्लेंट दिया? मेरे को 3 तलाक बोले बन के कंप्लेंट करे। अब मेरे को इंसाफ होना, दांत ऊपर है बोल के मेरे को छोड़ दिए उन्होंने, तलाक तलाक बोल दिए तेरे दांत ऊपर है बोल के, तू मेरे को पसंद नहीं है। मेरे अम्मी बोले, मेरे घर वाले बोले बोल के शादी करा मैंने तो नहीं करता था, अब तू नहीं होना मेरे को बोल के ऐसा तलाक तलाक बोल दिए, तो मैं कंप्लेंट करी, बस मेरे को इंसाफ होना। क्या नगर ओल सिटी में रहने वाला शख्स मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा, वालिद का नाम अहमद, हाउसिंग बोर्ड की एक मासूम बच्ची के साथ जो है ना कार है, बंगला है, गाड़ी है, कपड़े की दुकान है बोलकर रिश्ता लेके आकर रिश्ते से शादी कर 5 लाख जोड़े की रकम और सोना वगैरह हर चीज़ डाइनिंग टेबल से लेके सुई से लेके धागे तक दिए ये लोग। उसके बाद शादी के बाद जो है ना जब तक रिश्तेदार घर में थे बच्ची को टॉर्चर नहीं करे, एक हफ्ते के बाद रिश्तेदार जाने के बाद बच्ची को अमास किस्म के टॉर्चर करे, मारना तोड़ना, हाउस अरेस्ट कर दिए 15 दिन। इनके मम्मी लोग फ़ोन करे तो किसी का फ़ोन लिफ्ट नहीं करे। 15 दिन के बाद जून 27 में शादी हुई, 29 के दिन वो लोग गए, माँ भाई जाकर देखा तो बहन बीमार पड़े हुई है, तो भाई जो है ना उठाकर जो है ना बहन को लेके आके ट्रीटमेंट वगैरह कर काबिल बनाया। काबिल बनाने के बाद अक्टूबर 3 को आके ले लेके जाते बोल के भी नहीं गए। जब अक्टूबर 1 को वो लड़का हाउसिंग बोर्ड आकर वो बच्ची को गाली गलौज कर मार तोड़ कर तल्ला तेको मेरे को कोई रिश्ता नहीं है, तेरे दांत ऊपर है, तू मेरे को पसंद नहीं है, तू मेरे माँ बाप की पसंद है बोलकर कहने टॉर्चर करने लगा। उसके बाद भी लड़की ने कहा कि गुस्से में बोल दिए होंगे बोल के खामोश बैठी। उसके बाद भी 1 तारीख से 11 दिन बच्ची वेट करके फिर कंटिन्यू फ़ोन करते रहे तो भी लिफ्ट नहीं करा। फिर जो है ना 12 तारीख के दिन फ़ोन उठा कर कहा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने जो है ना 1 तारीख को तुझे तलाक बोल दिया, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, गाली गलौज कर फ़ोन रख दिया। उसके बाद बच्ची पीछे बड़ा पीएस में गई, कंप्लेंट करी। उसके बाद जो है ना बिल्कुल तल्लाक का कंप्लेंट होने के बाद मेरे को मालूम हुआ, मैं गया इंस्पेक्टर ACP साहब से भी बात करा, मैं ACP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये केस बुक हुआ। और हर मुसलमान बच्ची पे जो त्रिपुल तल्लाक का जुल्म जो बच्चियाँ सह रही है वो खामोश नहीं बैठना है, इंसाफ के लिए आगे बढ़ते हुए इंसाफ लेना है, क्योंकि ये त्रिपुल तल्लाक सुप्रीम कोर्ट बैन करा और नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट भी जो है ना ऐसे जो तलाक बोलने वालों के खिलाफ काम करते हुए कानून पास करी, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि जो भी त्रिपुल तल्लाक का केस आए फौरी वो बच्ची को बिठा कर उसकी तमाम तफसील लेकर उन लोगों पर केस बुक कर ऐसे 420 लोगों को जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाए।